दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट पा सकें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हमारे लोगों के बीच में बहुत सारी एक भ्रम फैला रहता है कि आखिर नॉन रिमूवेबल बैटरी अच्छा है या तो फिर रिमूवेबल बैटरी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि नॉन रिमूवेबल बैटरी कोई ऐसा नहीं है कि उसे आप निकाल नहीं सकते। जी हाँ, ये जरूर है कि आप उसे नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ खास इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियंस जो सर्विस सेंटर में रहते हैं वो उसे निकाल सकते हैं और उससे बकायदा बहुत ही आसानी से उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात क्वेश्चन ये आता है कि आखिर नॉन रिमूवेबल बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे पहला चीज़ है बेनिफिट, यानी कंपनियों को इसके पीछे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। जो पहले रिमूवेबल बैटरी होते थे उसमें क्या होता था कि आपका जैसे कोई रिमूवेबल बैटरी है, फोन है आपका, उसमें जो है बैटरी खराब हो जाता है या तो फिर कुछ और वजह से आपका बैटरी डैमेज हो जाता है, तो आप क्या करेंगे कि सेम उसी जैसे मान लीजिए नोकिया का है, सैमसंग का है, अगर उसका बैटरी ओरिजिनल बैटरी लेंगे तो आपको मान लीजिए 2000 रुपये का पड़ रहा है, और सेम बैटरी सेम क्वालिटी की किसी और कंपनी की 1500 या 1000 रुपये में पड़ रहा है, तो आप तो 1000 या 1500 रुपये वाला ही लेंगे। तो इसमें क्या होता था, कंपनी को लॉस होता था। तो पहला वजह ये हो गया, इसमें क्या है कि कंपनी नॉन रिमूवेबल बैटरी लगाएगी तो आपको कंपनी के सर्विस सेंटर में ही जाकर वो बैटरी चेंज करवाना पड़ेगा, और कंपनी अपनी ही कंपनी की बैटरी लगा के देगी जिससे उसको बेनिफिट होगा। दूसरा चीज होता है एक्सीडेंशियल इशू। क्या है, जैसे कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो खराब हो गई, तो आपने किसी दूसरी लोकल कंपनी का जो है बैटरी उसमें लगा दिया, और वो बैटरी ओवरचार्जिंग की वजह से, किसी और वजह से, कभी वो बैटरी जो है आप देखते होंगे कि बैटरी जो है थोड़ा मोटा हो जाता है और वो फूलने लगता है। उसके बाद कई बार ऐसा भी हो चुका है कि वो बैटरी फूट गए हैं और उनमें जो है किसी का जो है मुंह जल गया हो, कुछ और हो गया हो, तो इसमें इशू किस पे जाता है, केस जाता है सीधे डायरेक्ट उस कंपनी पे जिस कंपनी का मोबाइल है, तो उस कंपनी को ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद तीसरा चीज है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस क्या है दोस्तों, जैसे आजकल नॉन रिमूवेबल बैटरी जितने भी मोबाइल फोन्स में हैं आप देख सकते हो, मोबाइल ज़्यादा अधिकतर स्लिम होंगे और ज़्यादा खूबसूरत होंगे, उसकी जो बॉडी होगी वो बहुत खास डिजाइन उसमें बना पाते हैं। तो तीसरी वजह ये है कि उसमें जैसे नॉन रिमूवेबल बैटरी होता है तो मोबाइल का जो है साइज वो छोटा हो जाता है, वो स्लिम हो जाता है और अधिक खूबसूरत हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें अब सवाल उठता है कि कौन सा है बेस्ट। तो मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप कोई सा मोबाइल कितने दिन तक या कितने साल तक या फिर कितने महीने तक के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एक नॉन रिमूवेबल बैटरी भी कम से कम 2 साल या 2.5 साल तक उसमें कुछ खराबी नहीं आती है। तो अगर आप 1 या 2 साल के लिए कोई मोबाइल यूज करते हैं तो नॉन रिमूवेबल बैटरी आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, अधिकतर जो है ये है कि नॉन रिमूवेबल बैटरी में हम उसमें छेड़खानी नहीं करते तो उसमें खराबी होने की ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, जबकि रिमूवेबल बैटरीज में क्या होता है कि हम उसे बार बार चेंजेस करते रहते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो उसमें फूलने का या तो फिर डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप पे बनता है ये कि आप किस तरीके का जो है बैटरी वाला फोन, मोबाइल फोन यूज करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक।